ये क्या बनाया है? भाई गोश्त का सालन है। किसका सालन है? गोश्त का सालन है, टेस्टी तो होगा ही। भाई ऐसा वैसा सालन नहीं, ये बिहारी स्टाइल गोश्त का सालन है। देख के ही तो समझ में आ रहा है यार। हाँ यार, जबान में पानी आ रहा है। सो आप भी ऐसे गोश्त का सालन बना सकते हो। तो बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो का जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को एक पतीले को आपके स्टोव में रखना है, उसके ऊपर एक कप आप लोगों को सरसों का तेल देना है। तो अभी है खड़ा मसाले की बारी। यहाँ पे आप लोग पॉज करके भी देख सकते हो हमने क्या क्या लिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग अच्छे से सुन लो। दो तेजपत्ता लिया है हम लोग ने, दो सूखी मिर्च ली है, एक जावित्री ली है, एक चम्मच जीरा, दो दालचीनी, और साथ में हम लोग ने लिया है यहाँ पे चार इलायची लिया है और चार लौंग लिया है। तो अभी हम लोग इसमें प्याज देंगे। मैंने यहाँ पे चार प्याज काट लिया है बारीक से अच्छी तरीके से, और इसको हम लोग इसी उबलते हुए तेल में दे देंगे। यहाँ पे तो आप लोगों को पता ही होगा कि अच्छे से आप लोगों को इसको मिक्स करते रहना है, तभी जाके प्याज गलेगा। हमने 1 किलो गोश्त लिया है, और 1 किलो गोश्त के लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 चम्मच भर के आप लोगों को अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। तो हमने 1 किलो गोश्त लिया था आप लोगों को बताया जैसे, तो 1 किलो गोश्त हम लोग ने अच्छे से धो के साफ करके इसमें हम लोग दे देंगे। अभी यहाँ पे आप लोगों को गोश्त को अच्छे से मिक्स करते रहना है। बिहारी स्टाइल एक्चुअली जो हम लोग करी बना रहे हैं, इस करी को बनाने के लिए 2 आप लोगों को अदरक रसन लेना है, दे देना है उसमें, और कच्चा पपीता आप लोगों को थोड़ा सा काट के देना है गोश्त को नरम करने के लिए। तो अभी है मसाले की बारी। पहले आप लोगों को लेना है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, उसके बाद आप लोगों को 2 चम्मच यहाँ पे जीरा लेना है, 2 चम्मच यहाँ पे धनिया लेना है, 2 चम्मच यहाँ पे आप लोगों को लेना है हल्दी, 2 चम्मच नमक, और तीखा बनाने के लिए रेड चिली पाउडर मतलब लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लेना है। गोश्त की करी बनाने के लिए आप लोगों को मेन चीज़ तो यह है कि आपको गोश्त को अच्छे से मिलाते रहना है, मतलब बंगाली में बोलते हैं भालो कोरे कोशेना, तो कोशना पड़ता है, तो वो आप लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ढक ढक के रख देना है 2-5 मिनट के लिए, ये अच्छे से उबलते रहे इसलिए। तो अभी आया गोश्त के करी का मेन इंग्रेडिएंट, इसमें आप लोगों को गरम पानी मिलाना है। गरम पानी, अच्छे से सुन लीजिए, गरम पानी आप लोगों को देना है 1 कटोरा भर के,
जितना आप लोगों को सालन रिक्वायरमेंट है उतना आप लोगों को देना पड़ेगा। तो अच्छे से मिलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देना है। तो जितना हम लोग को सालन की ज़रूरत थी उतना सालन यहाँ पे पक के बन के रेडी हो चुका है। तो अभी है गरम मसाले की बारी। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, गरम मसाला यहाँ पे ले लेंगे हाफ कटोरे से थोड़ा सा कम, मतलब 2 चम्मच आप पकड़ लो उतना आप लोगों को गरम मसाला ले लेना है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग के बिहारी स्टाइल गोश करी बन के रेडी हो चुका है और देखने में और टेस्ट में बहुत ही खूबसूरत हुआ है। और आप लोग अच्छे से देख ही सकते हो, बहुत खूबसूरत कलर आया है, गोश भी अच्छे से नरम हुआ है, सालन आप लोग देख सकते हो क्या खूबसूरत कलर आया है इसमें। सो जो देखने में इतनी खूबसूरत होती है वो उसका तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं रेस्टोरेंट में बना होगा इस स्टाइल का कुछ डिज़ाइन है। सो आप लोग भी ऐसे गोश्त का सालन बनाइए, आप लोगों को अच्छा लगे तो सच में हम लोग को कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये गोश्त का सालन। और चैनल में हम लोग के नए हैं तो सच में सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए, और मिलते हैं फिर से और एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।